सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे करते हैं, उसकी ज्यामितीय व्याख्या हमने पढ़ ली और उसके महत्वपूर्ण निगमन हमने पढ़ लिए और उसके गुणधर्म हमने पढ़ लिए और दो सदिशों के मध्य का जो एंगल निकालना है वो भी हमने पढ़ लिया। तो आज का अपना टॉपिक है वो है त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। आगे बात समझे, तो कोई भी त्रिभुज है उसका आपको सदिश क्षेत्रफल निकालना है। सदिश क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी परिमाण भी होगा और उस क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ होगी वो भी, दोनों चीजें यहाँ पे होगी। तो दो टाइप के हैं, पहला देख लीजिए, अगर कोई त्रिभुज है उसकी दो आसन भुजाएं, उसकी दो आसन भुजाएं दो सदिशों द्वारा निरूपित है, ओ ए आसन भुजा जो सदिश ए द्वारा निरूपित है, ओ बी ये जो आसन भुजा है वो सदिश बी द्वारा निरूपित है। आगे बात समझ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बी को ए से मिला देंगे तो ये बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे बात समझ, त्रिभुज बन गया ये ओ ए बी। आगे बात समझ, तो इस त्रिभुज का आपको सदिश क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला, जब त्रिभुज की दो आसन भुजाएं सदिश ए तथा सदिश बी से निरूपित है, आगे बात समझ, तो देखिए यानी कि ओ ए, ओ ए क्या है सदिश ए और ओ बी सदिश किससे निरूपित है, सदिश बी से निरूपित है। आगे बात समझ, तो यहां से देखना ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप किसको व्यक्त कर रहा है, दिशा को व्यक्त कर रहा है। हम क्या ले रहे हैं, ए क्रॉस बी, क्या ले रहे हैं ए क्रॉस बी यानी ये वाली दिशा। आगे बात समझ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जो इसकी दिशा दोनों यानी कि ए और बी के तल के लंबवत जो एन कैप होगा वो कौन सा होगा, ये एन कैप दोनों के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा, क्या होगा ऊपर की तरफ। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना, अब हम निकालेंगे त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का सदिश क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान से देखना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे, एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखना ये त्रिभुज है, अभी हम केवल त्रिभुज ओ ए बी की बात कर रहे हैं। आगे बात सुन, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक बटा दो आधार ओ ए, ओ ए ओ ए सदिश ए से निरूपित है तो इसका परिमाण क्या होगी, जो लेंथ है ओ ए क्या होगी, ए हो गया आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि आपको यहाँ से ये वाला लंब, ये वाला लंब क्या होगा, देखिए लंब बटा करण बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो लंब क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। आगे बात सुन, तो ये क्या हो गया एक बटा दो ए बी साइन थीटा, ये तो आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दिशा भी आपको चाहिएगी क्योंकि आप ले रहे हो ओ ए बी त्रिभुज, क्या ले रहे हो ओ ए बी, तो यहाँ हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। आगे बात समझ, तो ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, ऊपर की तरफ। आगे बात समझ, तो अगर हम सदिश क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें दिशा भी आपको व्यक्त करनी पड़ेगी, तो एन कैप। आगे बात समझ, तो ए बी साइन थीटा एन कैप, ये क्या है ए क्रॉस बी, तो त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, एक बटा दो ए बी साइन थीटा। बात समझ में आगे ना, ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। आगे बात समझ, तो ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो सदिश ए क्रॉस बी है उसका परिमाण क्या हो गया ए बी साइन थीटा और ये एक बटा दो, क्योंकि त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई, और एन कैप लगाएंगे वो व्यक्त करेगा आपके इस त्रिभुज क्षेत्रफल की दिशा को। आगे ने बात समझ, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से एक बटा दो ए क्रॉस बी, ये हो गया त्रिभुज ओ ए बी का सदिश क्षेत्रफल, जहां एन कैप
सदिश क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करता है। एन कैप किसको व्यक्त कर रहा है? इस सदिश क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त कर रहा है। हम कौन सा, अब देखना, सदिश क्षेत्रफल के अंदर दिशा इंपॉर्टेंट रहेगी, आप क्रम का भी इंपॉर्टेंस रहेगा। यहां पे हम ले रहे त्रिभुज ओ ए बी, तो त्रिभुज ओ ए बी का सदिश क्षेत्रफल क्या आ गया? 1/2 ए क्रॉस बी, यानी ओ ए क्रॉस ओ बी। ओ ए सदिश ए से निरूपित है, ओ बी सदिश बी से निरूपित है, तो ये आ गया किसका। अब देखिए त्रिभुज ओ बी ए, त्रिभुज ओ बी ए का सदिश क्षेत्रफल आगे बात। अब देखिए त्रिभुज ओ बी ए का सदिश क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए अब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, क्या करें, ओ बी ए यानी बी से ए की तरफ, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बी क्रॉस ए। क्या हो गया? 1/2 बी क्रॉस ए। अब आपको पता है बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है? माइनस ए क्रॉस बी। आगे ने बात समझ में, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 ए क्रॉस बी, यानी कि त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल क्या होगा, माइनस 1/2 ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखना, यहां पे ये जो चिन्ह है ना माइनस, ये केवल सदिश क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त कर रहा है। जब हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो सदिश क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ है, और बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो सदिश क्षेत्रफल की दिशा नीचे की तरफ है। आगे निभाष में दोनों ही कंडीशन में देख लीजिए, परिमाण निकालिए, दोनों का ही क्या होगा, समान। आप त्रिभुज ओ बी ए लीजिए इसका क्षेत्रफल, या ओ ए बी क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही होगा। परिमाण यानी कि जो इसकी क्वांटिटी यानी स्केलर क्वांटिटी जो कि इसका क्षेत्रफल व्यक्त करेगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही लेना है। यानी कि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में क्या है, 1/2 ए बी साइन थीटा। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है ए, ऊंचाई क्या है बी साइन थीटा। आगे बात समझे, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल यानी कि इसके अंदर इसका परिमाण यानी क्षेत्रफल और उसकी दिशा भी दोनों होने चाहिए, तो दोनों होने चाहिए, तो यहाँ पे एन कैप दिशा लगा दी, तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी। आगे बात, अब देखिए आप बी क्रॉस ए का भी आप परिमाण निकालिए, क्या आएगा, ए बी साइन थीटा ही आएगा। देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है, माइनस ए क्रॉस बी, यानी कि माइनस, हाँ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। आगे निभाषण, अब ये देखिए माइनस एन कैप का मतलब क्या है कि दिशा, हम एन कैप ऊपर की तरफ एन कैप ले रहे हैं, तो नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस एन कैप। तो यहाँ पर भी परिमाण तो क्या है, ए बी साइन थीटा ही है, परिमाण क्या है, ए बी साइन थीटा है, और माइनस एन कैप यानी कि दिशा किस तरफ ले रहे हैं, नीचे की तरफ ले रहे हैं। आगे निभाषण में दोनों ही कंडीशन में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा ही होगा। अब देखिए अगर हम ओ ए बी ले रहे हैं तो दिशा ऊपर की तरफ यानी कि एन कैप हो गया, ओ बी ए ले रहे हैं तो दिशा नीचे की तरफ यानी कि माइनस 1/2 ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी क्या ले रहे हैं, हम माइनस एन कैप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, माइनस एन कैप। तो माइनस को हम बाहर ले लिया, तो बाहर लेके क्या हो गया, ये माइनस ए क्रॉस बी, यानी ओ बी ए क्या होगा, बी क्रॉस ए। आगे बात समझ, तो यहाँ से ये क्या गया, माइनस। ये जो एन कैप है ये केवल किसको व्यक्त कर रहा है, दिशा को व्यक्त कर रहा है, किसके, सदिश क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये तो हो गया पहली कंडीशन, जब दो भुजाएं, त्रिभुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों ए और बी द्वारा निरूपित है। ध्यान रखना ओ ए बी ले रहे हो तो त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 ए क्रॉस बी, ओ बी ए ले रहे हो तो त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बी क्रॉस ए। फिर आप चाहे तो इसको ए क्रॉस बी में चेंज कर सकते हो, क्योंकि बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है, माइनस ए क्रॉस बी के, तो यहां से ये आ गया, क्लियर है। आगे बात समझ में, केवल आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार ए ऊंचाई, यहां से जब हम लंब डालेंगे ना तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये M, तो एम बी क्या हो जाएगी, लंब बटा करण, करण क्या है, तो यहाँ से लंब बराबर क्या हो जाएगा, करण इंटू साइन थीटा, तो करण क्या है, बी और साइन थीटा, तो ऊंचाई क्या हो गई, बी साइन थीटा,
इंटू बी साइन थीटा। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। चाहे आप ओ बी ए लोगे तो भी ये आएगा, ओ ए बी लोगे तो भी ये आएगा। अब बात करते हैं सदिश क्षेत्रफल, हम क्या त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, आगे बात सदिश क्षेत्रफल यानी उसमें उसकी दिशा को भी व्यक्त करना है। अगर हम ओ ए बी ले रहे हैं तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो दिशा ऊपर की तरफ यानी एन कैप आ गया। आगे बात समझें, अगर ओ बी ए यानी बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो देखिए दक्षिण हस्तपेश तंत्र से नीचे की तरफ, तो क्या आएगा माइनस का एन कैप। आगे बात समझें, तो दोनों ही कंडीशन में तो यानी बी क्रॉस ए। तो ये आ गया पहला, जब त्रिभुज की दो आसन भुजाएं सदिश ए और बी से निरूपित है। अब देख लीजिए इसका दूसरा पार्ट, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं, दूसरी कंडीशन, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों ए बी तथा सी के स्थिति सदिश क्रमशः सदिश ए सदिश बी और सदिश सी दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, सदिश क्षेत्रफल। यानी कि त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी सी, ए का स्थिति सदिश दे रखा है सदिश ए, बी का स्थिति सदिश दे रखा है सदिश बी और सी का स्थिति सदिश दे रखा है सदिश सी। आगे बात सुन, तो इस कंडीशन में इस त्रिभुज का आपको सदिश क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब ध्यान से देखना, अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दो आसन भुजाएं लेंगे। पहले सदिश ए बी ज्ञात कर लीजिए, तो सदिश ए बी, ए बी क्या होगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, यानी बी का स्थिति सदिश बी माइनस ए। और एसी, एसी क्या हो जाएगा, सी का स्थिति सदिश सी माइनस ए का स्थिति सदिश ए। आगे बात, अब देखिए पहली वाली कंडीशन वाले अप्लाई कर देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ऐसे। आगे बात समझ में, हम कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो ए बी क्रॉस ए सी। आगे बात समझ में, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का सदिश क्षेत्रफल एक बटा दो क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी, क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, दो आसन भुजाएं ले ली तो ये वाला सदिश क्या हो जाएगा, ए बी सदिश बी माइनस ए, ये वाला क्या हो जाएगा सी माइनस ए। आगे बात समझे, ये ए बी ये ए सी, तो दो आसन भुजाएं निरूपित है, एक तो बी माइनस ए से एक है सी माइनस ए से। तो यहाँ से हमें ए बी सी का क्षेत्रफल लेना, ए बी सी यानी कि हम इस क्रम में चल रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ए बी सी ऐसे चल रहे हैं यहाँ से ये, तो क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। आगे बात सुन, अब देखिए तो एक बटा दो ए बी, ए बी क्या है आपका बी माइनस ए, क्रॉस एसी क्या है सी माइनस ए। आगे बात समझ, इसको हल करते जाइए, एक बटा दो तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा एक बटा दो बी क्रॉस सी। अब देखिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है ए क्रॉस बी के बराबर, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है माइनस ए क्रॉस बी। आ रही बात सुन, तो माइनस बी क्रॉस ए किसके बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, और ये क्या हो गया शून्य सदिश।
आगे बात सुन, चूँकि ए क्रॉस ए क्या होता है, शून्य सदिश। आगे बात सुन, और ये चीज़ भी लिख दीजिए, माइनस बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी, और माइनस ए क्रॉस सी किसके बराबर होता है, सी क्रॉस ए। आगे बात सुन, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक बटा दो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये होता है एक त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल जब उसके तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं। आगे बात समझ में, तीन शीर्ष ए बी सी, शीर्ष ए का स्थिति सदिश दे रखा है, ए बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, तो उस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक बटा दो बॉक्स यानी कोष्टक ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये है सूत्र आपका जब तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं। आगे बात समझ में, तो ये हो गया एक त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल जब दो सदिश दो आसन भुजाओं के रूप में दे रखे हैं तो कैसे निकालना है, और तीनों शीर्षों के जब आपको स्थिति सदिश दे रखे हैं तो कैसे निकालना है दोनों ही कंडीशन में। आगे बात समझ में, चलिए तो अब अगला टॉपिक देख लीजिए, ध्यान से देखना, तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन, तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, यानी तीन बिंदु संरेख कब होंगे। मान लीजिए, देखिए ध्यान से, तीन बिंदु संरेख होना यानी कि कोई भी तीन बिंदु ए बी सी, तीन बिंदु संरेख कब हो गए, यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आ जाए, ए बी सी, तीनों बिंदु क्या हो जाए, एक ही रेखा पे आ जाएंगे, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाएंगे, इसका मतलब क्या, तीनों बिंदुओं से मिलकर जो बनने वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य। आर्यन बात समझ में, क्लियर। तो अगर तीन बिंदु ए बी सी आपको दे रखे हैं जिनके स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं ए बी और सी, तो वो तीनों बिंदु आपके एक ही रेखा पर होंगे यानी संरेख होंगे यदि उनसे निरूपित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो ध्यान से देखना, तीन बिंदु ए जिसका स्थिति सदिश ए दे रखा है, बी स्थिति सदिश बी दे रखा है, सी स्थिति सदिश सी दे रखा है, दे रखा है, ये तीन बिंदु है, इनके स्थिति सदिश दे रखे हैं, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे यदि इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अभी हमने यहाँ पे ये निकाला, यानी कि एक बटा दो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। आगे बात समझ, तो यहाँ से एक बटा दो तो शून्य नहीं होगा, इसका मतलब ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर शून्य, ये कंडीशन है किसकी, तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन, तीन बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश दे रखे हैं ए बी और सी, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे यानी संरेख होंगे यदि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर जीरो, कहने का मतलब इनसे निरूपित त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो, त्रिभुज का यहाँ से ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर जीरो, इसका मतलब एक बटा दो तो जीरो होगा नहीं, तो कौन सी कंडीशन, ये वाली, ये वाला भाग क्या होगा, जीरो होगा। तो ये होता है तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन। आगे बात समझ में, चलिए तो अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो 13.3 निकाल लीजिए, तेरह पॉइंट तीन का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, सदिशों थ्री आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ तथा टू आई कैफ
प्लस 3 जे कैफ प्लस के कैफ का सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो दो सदिश दे रखे हैं, एक ये सदिश दे रखा है, एक ये सदिश दे रखा है, दोनों देखिए घटकों के रूप में सदिश दे रखे हैं। किस रूप में दे रखे हैं? घटकों के रूप में। तो घटकों के रूप में दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक सदिश ए दे रखा है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप और एक सदिश दे रखा बी ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? सारणी के रूप में आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। आगे बात समझ? तो ये वाला सूत्र आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दिया है सदिश ए थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और बी आपको दे रखा है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? आई कैप जे कैप के कैप। ए वन बी वन सी वन, ए वन क्या है? तीन। बी वन क्या है? वन। सी वन क्या है? माइनस वन। ए टू क्या है? टू। बी टू क्या है? थ्री। और सी टू क्या है? वन। तो यहाँ से ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? देखिए हाँ, वन इंटू वन वन, माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू आई कैफ। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस का चिन्ह लगेगा, तो इसको और इसको छोड़ दीजिए। तीन इंटू एक तीन, माइनस माइनस प्लस दो इंटू जे कैप प्लस इसको और इसको छोड़ दीजिए। तीन थ्री नौ, माइनस दो इंटू के कैफ। आगे बात समझ में? हाँ, तीन प्लस एक चार आई कैफ, माइनस तीन प्लस दो पाँच जे कैफ प्लस नौ माइनस दो सात के कैफ। ये आ गया ए क्रॉस बी, यानी कि ये जो दो सदिश है इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। सारणिक आगे बात में, सारणिक रूप से ही इसको आपको हल करना है। आगे बात में आप नॉर्मली भी इसको हल कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी गणना क्या होगी? बड़ी होगी, इसलिए वो सारणिक रूप वाला सूत्र आपको याद रखना है, ये वाला। इससे बिल्कुल इजी हो गया। अब देखिए आप इसका चाहो तो सीधा भी ऐसे भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी, उसे देखना थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि थ्री आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना किससे? टू आई कैफ प्लस थ्री जे कैफ प्लस के कैफ। अब देखिए तो यहाँ से कराओ, आई कैफ क्रॉस आई कैफ, आई कैफ क्रॉस आई कैफ क्या हो जाएगा? शून्य सदिश। आ रही है बात समझ? तो ये तो क्या हो गया? शून्य सदिश हो गया। तो आई क्रॉस जे, तो तीन इंटू तीन नौ, आई क्रॉस जे क्या होता? के, तो क्या हो जाएगा? नौ के कैफ। आगे बात समझ? आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस का जे, तो माइनस का थ्री जे कैफ। आगे बात समझ? जे क्रॉस आई, तो आई से जे, जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस का के कैफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का टू के कैफ। जे क्रॉस जे शून्य सदिश हो गया। जे क्रॉस के आई जे के, जे क्रॉस के क्या होगा? आई कैफ, तो जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैफ। आगे बात समझ? हाँ, यहाँ से देखना के क्रॉस आई, तो आई जे के क्रॉस आई क्या होगा? जे कैप, तो क्या हो जाएगा? माइनस का टू जे कैप। के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे हो जाएगा आपका माइनस का के, तो माइनस ये पहले से पड़ा है, माइनस माइनस प्लस तीन के क्रॉस जे आई कैप, तीन आई कैप और के क्रॉस के क्या हो गया? शून्य सदिश। अब देख लीजिए, इसको हल कर लीजिए। तीन आई कैफ प्लस आई कैफ, देख लीजिए ध्यान से, के क्रॉस ये तो हो गया जे कैफ, ठीक है। थ्री आई कैफ प्लस आई कैफ क्या हो गया? फोर आई कैफ।
जे के एफ, ये रहा माइनस फाइव जे के, नौ माइनस दो प्लस सेवन के के, सेम ही चीज़ आ रही है आगे निभा समय। तो आपको इस सूत्र से करना है ए क्रॉस बी, कौन सा सारणिक रूप से, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सदिशों आई केफ माइनस टू जे केफ प्लस के केफ तथा टू आई केफ प्लस जे केफ माइनस थ्री के केफ के लंब इकाई सदिश ज्ञात करो। दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश ये दे रखा है, एक सदिश ये दे रखा है, इन दोनों सदिशों के लंब इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी दो सदिश है ए और बी, आगे बात सुन, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, आगे बात सुन, जहाँ एन कैप क्या है, ए और बी के लंबवत इकाई सदिश, आगे बात समझ में, ए ये ए है ये बी है, तो इन दोनों के लंब इकाई सदिश, आ रही बात समझ में, वो क्या है एन कैप, ए और बी दोनों के तल के लंबवत इकाई सदिश, यही यहाँ पे पूछा है कि एक सदिश ये है एक सदिश ये, इन दोनों के लंब इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से एन कैप आप कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी बट्टा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और ये ए बी साइन थीटा है क्या, देखिए ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ये क्या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ये क्या है ए क्रॉस बी एक सदिश है, इस सदिश का परिमाण क्या है, ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी का परिमाण क्या है, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ से एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी बट्टा ए क्रॉस बी का परिमाण, आगे बात समझ। तो इस सूत्र से आपको ज्ञात करना है दोनों के लंब इकाई सदिश, क्लियर है। तो आंसर माना ए बराबर, इसको ए सदिश मान लीजिए माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, इसको सदिश बी मान लीजिए टू आई कैफ प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, तो ए तथा बी के लंब इकाई सदिश, ए और बी यानी ए के भी लंब और बी के भी लंब, तो कैसे निकालोगे, ए और बी तल ले लीजिए उसके लंब इकाई सदिश, जो कि क्या होगा ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा, यानी ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश, तो ए तथा बी के लंब इकाई सदिश एन कैफ किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी बट्टा ए क्रॉस बी का परिमाण, आगे बात में। तो अब आपको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए और ए क्रॉस बी का परिमाण भी चाहिए, आगे बात में। तो यहाँ से ए क्रॉस बी क्या होगा, वही सारणिक रूप से आई कैप जे कैप के कैप, ए वन बी वन सी वन, यानी कि वन माइनस टू और वन, और ए टू बी टू सी टू, टू वन माइनस थ्री, आगे बात सुन। तो ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सदिश ही होगा ना, तो ए क्रॉस बी देख लीजिए क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी, क्योंकि दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वापस एक सदिश ही आता है। तो यहाँ से देखिए, तो माइनस का तीन इंटू माइनस का दो क्या हो गया, तीन इंटू दो छः, माइनस एक इंटू आई कैफ, आगे बात सुन। और यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, माइनस का तीन माइनस का दो इंटू जे कैफ प्लस, इसको और इसको छोड़ दीजिए, वन माइनस माइनस प्लस दो इंटू दो चार इंटू के कैफ। तो यहाँ से ए क्रॉस बी आपके पास में क्या आया, छः माइनस एक पाँच आई कैफ,
माइनस तीन माइनस दो माइनस पाँच, माइनस माइनस प्लस प्लस पाँच जे कैप, प्लस चार एक पाँच के कैप। तो एक रोस बी, एक रोस बी क्या आया, फाइव आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस फाइव के कैप। अब देखिए ये सदिश ए था, ये सदिश बी था। आपको पता है दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट भी वापस क्या आता है, एक सदिश आता है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी भी क्या है, एक सदिश आया। ये देख लीजिए क्या है, घटक के रूप में एक सदिश ही है, क्लियर। तो ये आ गया ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, ये ए क्रॉस बी एक सदिश है, तो ए क्रॉस बी का परिमाण, तो कोई भी घटक के रूप में अगर कोई सदिश दे रखा तो उसका परिमाण क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर्यन भाषा में तो पाँच का स्क्वायर प्लस पाँच का स्क्वायर प्लस पाँच का स्क्वायर, तो इसका परिमाण क्या आ जाएगा, रूट ऑफ पाँच का स्क्वायर पच्चीस प्लस पच्चीस प्लस पच्चीस, तो पच्चीस पिचहत्तर कितना आ जाएगा, पाँच रूट तीन। आगे बात सुनने, तो ये आ गया इस सदिश का परिमाण, क्लियर है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एन कैप ज्ञात करना है, तो वैल्यू रख दीजिए। अतः एन कैप ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, फाइव आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस फाइव के कैप, बट्टा ए क्रॉस बी का परिमाण क्या है, फाइव रूट थ्री। आगे बात में, तो यहाँ से एन कैप क्या आ रहा है देख लीजिए, अलग अलग लिख दीजिए, तो यहाँ पाँच से पाँच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बट्टा रूट तीन आई कैप प्लस पाँच से पाँच कैंसिल, एक बट्टा रूट तीन जे कैप प्लस पाँच से पाँच कैंसिल, एक बट्टा रूट तीन के कैप। ये क्या है, ये ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है। आगे बात सुन, अब आपको पता है इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, हमेशा ही वन होता है। इसका परिमाण निकाल के देख लीजिए, वन आएगा। इसका परिमाण क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि वन अपॉन तीन प्लस वन अपॉन तीन प्लस वन अपॉन तीन, क्या हो जाएगा ये, रूट ऑफ तीन बटा तीन, क्या आ रहा है, वन। आगे ना बात समझें, तो एन कैप यानी इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण क्या होगा, वन होगा, क्लियर है। तो ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश क्या आ गया, वन अपॉन रूट थ्री आई कैप प्लस वन अपॉन रूट थ्री जे कैप प्लस वन अपॉन रूट थ्री के कैप, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।